नमस्ते बच्चों, आज हम 40 तक बिना उधार के घटाव करना सीखेंगे। गैफी अपने पापा के जन्मदिन के लिए सरप्राइज पार्टी की योजना बनाना चाहती है। वह अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ मैं पापा को जन्मदिन पर एक सरप्राइज पार्टी देना चाहती हूँ। अरे वाह गैफी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम कमरे को गुब्बारों से सजा दे। हाँ माँ, बहुत मजा आएगा। गैफी और उसकी माँ गुब्बारा फुलाना शुरू करते हैं। उन्होंने 48 गुब्बारे फुलाए जिसमें से 15 गुब्बारे फूट गए। गैफी, हमने 48 गुब्बारे फुलाए जिसमें से 15 गुब्बारे फूट गए, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अब हमारे पास कुल कितने फूले हुए गुब्बारे हैं? माँ, इसका हल ढूंढने के लिए हमें घटाव करना होगा। सबसे पहले हम संख्याओं को क्षैतिज रूप में लिखेंगे, यानी स्लिपिंग लाइन में नंबर लिखना 48 घटाव 15। सबसे पहले हम इकाई के स्थान की संख्याएं घटाते हैं। 8 में 5 घटाव हुए 3, इससे हम यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद हम दहाई की संख्याओं को घटाएंगे, 4 में 1 घटाव हुए 3, अतः 48 घटाव 15 हुए 33। माँ, इसका हल हम इन संख्याओं को लंबवत रूप में भी व्यवस्थित कर, यानी खड़ी पंक्ति में लिख कर भी निकाल सकते हैं। 48 घटाव 15। सबसे पहले हम इकाई के स्थान की संख्याएं घटाते हैं। 8 में 5 घटाव हुए 3, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद हम दहाई की संख्याओं को घटाएंगे, 4 में 1 घटाव हुए 3, अतः 48 घटाव 15 33। माँ, हमारे पास कुल 33 गुब्बारे हैं। बिल्कुल सही गैफी, शाबाश। बच्चों, अब आपकी बारी है इस समस्या को हल करने की। गैफी ने पार्टी में आने के लिए 39 लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन पार्टी में 25 लोग ही आ पाए। क्या आप बता सकते हैं कि पार्टी में कितने लोग नहीं आए? बच्चों, इस वीडियो में आज हमने 40 तक बिना उधार के घटाव करना सीखा।